फर्स्ट टाइम ये OTT लॉन्च हो रहा है, अभी तक तो मैंने काम किया है लोगों के लिए काम किया है, फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल के लिए काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक्साइटमेंट तो बहुत है। और ये रियलिटी शो है, अभी तक इस तरीके का रियलिटी शो जो हम करने जा रहे हैं, इस तरीके का रियलिटी शो किसी OTT चैनल पे नहीं आ रहा है। चैनल्स पे तो आ रहे हैं, सेटेलाइट चैनल्स पे, बस OTT पे नहीं आ रहा है ऐसा कोई शो। तो हम लोग जो इसको लेके जा रहे हैं, और जो इसका क्रेज़ है अभी मॉडलिंग का जो क्रेज़ है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ में इवेंट्स पहले कराती थी, मैंने बहुत सारी वहाँ पर एज ए लाइन प्रोड्यूसर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह की हैं, तो वहाँ पे जो क्रेज़ मैंने देखा मॉडलिंग का, फैशन शो का, उसका बहुत अच्छा क्रेज़ है। और मुझे लगता है कि जब हम ये इवेंट लेके आएंगे, रियलिटी शो लेके आएंगे, जब इसका फिनाले हम मुंबई में करेंगे, तो एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को, मॉडल्स को, क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, वो इवेंट करते हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, उसी शहर में रह के ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको एक हम वाइड एंगल दे रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो भी ग्रो कर सकते हैं। फिनाले हम मुंबई में करेंगे, ठीक है, जो फिनाले के लिए भी बड़े चेहरे हैं उसको हम रिवील करेंगे 15 दिन के पहले, जो इवेंट हमारा जनवरी में होगा उसके 15 दिन पहले हम उसको रिवील करेंगे फेस को। और हमारी टीम एक ह्यूज टीम है हमारी और काम कर रही है, क्योंकि हम लोग 25 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं, तो हर सिटीज़ में पूरी टीम का जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक सेगमेंट डिसाइड कर दिया है कि हाँ इस फील्ड में इस जगह पर ये लोग जाएंगे, तो हम लोग विद इन अ वीक हमारी टीम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे जितना हमारा मैक्सिमम जो जिसकी जहाँ पे अच्छी पकड़ है वो वहाँ पे जाके ऑडिशंस लेंगे। सर आपने जो आपका एसोसिएशन और ये जो कॉन्सेप्ट इसके बताएंगे कितने उसका सर आप इस कंपनी की MD भी है क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, नीरज जी को मैं पिछले एक साल से जानता हूँ, रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ उसमें, उतना डीपली मुझे नहीं पता सर का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। भाई एक OTT आ रहा है, आज डेट में मैंने भी OTT डाउनलोड कर रखे 3-4, तो हर इंसान या आजकल जो गांव में चल रहा है कभी डाटा फ्री है, लोग मोबाइल पे देखते हैं, टीवी मुश्किल देखते हैं, तो ये बेस्ट है कि भाई सब, मैं भी एक्टर हूँ, एज एन एक्टर अच्छा काम मिलेगा सभी को करने के लिए, क्योंकि तो हम भी काफ़ी घूमे हैं, ये सभी के लिए बेस्ट है। सर आपने जी, मेरा नाम महिपाल सिंह परिहार है, बेसिकली मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बुंदेलखंड में वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और वहाँ की जो व्यथाएँ हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है, यहाँ की जो विशेषताएँ, हम बुंदेलखंड को लेके आ रहे हैं इस चैनल पर, हम और हमारे डायरेक्टर राम तिवारी दोनों जन इस वेब जो हमारा इनका पोर्टल रहेगा वेब सीरीज उसके जरिए, और मैक्सिमम जो बेसिकली तो फिलहाल हम सिर्फ अपने एक्चुअली जो जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ के चीजों को कवर करेंगे ना, आप बुंदेलखंड से कंटेंट्स, शॉर्ट फिल्म्स जी, वेब सीरीज और वहाँ के जो लोकल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आ रहे हैं। सुनील सर आप खुद प्रोड्यूसर हैं, मतलब अभी प्रोड्यूसर है जो फिल्म, उसके लिए बताएं कि प्रोड्यूसर बनना कितना मुश्किल है, और इनको बताइए, श्रद्धा जी को, नीरज जी को बताइए कि क्या करना चाहेंगे आप, एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि सचमुच कोई चीज बनाना चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे कोई भी क्रिएटिव काम करना हो, उसके लिए बहुत टीम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है, तो ये चारों चीज़ों के लिए सक्षम लोग हैं ये, और मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी टीम कोलैबोरेट हुई है, और जब सब लोग अच्छे मिल जाते हैं तो उस चीज़ को सक्सेस भगवान देता ही है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सक्सेस होगी। ऑल द बेस्ट। सुनील पाल जी, आप हमेशा से नए लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, नए लोगों के पास में ही नयापन होता है, पुराने लोग तो हमारी जड़ें हैं, पुराने लोग तो हमारे गुरु हैं, माँ गुरु हैं, हमारे क्लू स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन नए लोगों के पास नया कंटेंट होता है, नई बातें होती है, और नई जगह से आते हैं, नए पहनावे, नए कपड़े, नई बातें, नया स्लैंग्स, नई स्टाइल होता है उनके पास में, तो नए लोगों को तो ऑलवेज़ बॉलीवुड ने हमेशा, बॉलीवुड ही नहीं हर क्षेत्र में उनका स्वागत है, करना ही चाहिए। जैसे अभी हमारी जो फिल्म आई है लॉकडाउन टू अनलॉक, ये इसमें बहुत सारे नए लोगों को भी, खासकर हमारी जो हीरोइन है वो भी नई है, OTT प्लेटफॉर्म पर इसको स्ट्रीमिंग किया जा रहा है शिमारोमी पर, तो मैं उसी को मैं समझ सकता हूँ कि ये आजकल बहुत अच्छी बात हो गई है कि OTT अब हर तबके के प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रही है। अगर आप बजट में फिल्म बना रहे हैं, रीजनल फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, और आपके पास में वो पहुँच नहीं है कि आप करोड़ों की या हर अरबों के या बड़े स्टारों के साथ में समय दे सको या काम कर सको, तो आपके लिए एक नए ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए जहाँ पर कंटेंट की वैल्यू हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए मेरे इस टीम को बहुत बधाई हो।